इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी। सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है सर, आयुष जैसे मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहेंगे? ये देखिए, आयुर्वेद ये जो हमारे भारत की हिंदुस्तान की परंपरा रही है और इसी आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार सारी दुनिया में करने की जिम्मेदारी हमारे इस आयुष विभाग की तरफ है। निश्चित रूप से हमारे देश में भी आयुष के बारे में बहुत सारे पुराने लोग जानते थे, लेकिन अभी जो नई पीढ़ियाँ आ रही है तो ये लोगों को इसकी ज़्यादा मालूम नहीं, तो हमारे देश में भी इसका प्रचार और प्रचार करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमारा विभाग के माध्यम से हम इसका और भी लोगों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर संसद सत्र की बात करें जो खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा में भी चर्चा किया और इसके अलावा जिसकी डिमांड लगातार विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा था, खासतौर पे मणिपुर को लेकर, जब आज प्रधानमंत्री ने चर्चा किया तो वो लोग वॉकआउट कर गए, कैसे देखते हैं इसे? ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ही कहा कि वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग गए कि आगे प्रधानमंत्री जी जो बोलने वाले थे तो उसी का जवाब वो लोगों के पास नहीं था, इसीलिए वो लोग वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये अपने देश में 60 साल के बाद में ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार एक ही पक्ष की सरकार यहाँ पर आ रही है और एक ही मुख्य पंतप्रधान तीसरी बार यहाँ पर शपथ लेके 15 साल के लिए यहाँ पर सत्ता में आए, और ये चीज़ कांग्रेस को वहाँ पर ये बोलते हैं कि कांग्रेस को रास नहीं आई, इसीलिए वो बार बार झूठे आरोप करना, नरेटिव लोगों में फैलाना, बस इतना ही काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पूरी उनकी पोल खोल खोल दी और सही में सरकार ने 10 साल में क्या काम किया और अगले 5 साल में भी हम क्या करने वाले हैं इसका भी उन्होंने सभी दिया, और राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में ये सभी कहा था। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सियासत कर रहा है, तो वो एक तरीके से देश दुनिया के सामने आ गया है? ये देखिए, मणिपुर के मुद्दे की राजनीति कांग्रेस वाले हो, अपोजिशन वाले हो, ये सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में कि वहाँ पर शांतता प्रस्थापित करने के लिए भारत सरकार की ओर से जोर कस और पूरे जोर से वहाँ पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, वहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन अभी कुछ मसले ऐसे होते हैं कि वो जल्द ठंडे नहीं हो सकते, लेकिन भारत सरकार की ओर से पूरी कोशिश वहाँ पर जारी है कि वहाँ पर शांतता प्रस्थापित हो और भाईचारा वहाँ पर तैयार हो और लोग शांतता से वहाँ पर रहें। राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर जिस तरीके से बयान दिया, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने अपमान किया है? बिल्कुल, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नहीं तो दुनिया के इस पर जितने भी हिंदू लोग रहते वो सभी हिंदू लोगों का उन्होंने अपमान किया। उन्होंने अपने भाषण में, वो भी पार्लियामेंट के डायस पे, उन्होंने बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो हमारे हिंदुओं का अपमान है। हिंदू धर्म सहिष्णुता लेकर चलने वाला हमारा धर्म है, हिंदू धर्म में कहीं भी किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की अनुमति वहाँ पर नहीं है, और सभी को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदू धर्म होने के बावजूद केवल वोटों की राजनीति करने के लिए उन्होंने सभी हिंदुओं का अपमान वहाँ पर किया। एक आखिरी सवाल, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतकर हिंदुस्तान लौट रही है, प्रधानमंत्री से मुलाकात कैसे देखते हैं? ये देखिए, हमारे मुझे लगता है कि 17 साल के बाद में लगभग हमारे इंडिया ने T20 का वर्ल्ड कप वहाँ पर जीता है और हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है, ऊंचा किया है, और जो देश के लिए करते हैं, देश के लिए जो खेलते हैं, और वो अगर पूरी इसमें जीत कर आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं तो ये बहुत गर्व की बात है। ऐसे लोगों को खेलों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए और हर बार हमारे प्रधानमंत्री ये काम करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।